Why would you do that? We're in the end game now. हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन निगम और स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। मंडे मॉर्निंग बोलकर टॉम हॉलैंड ने हमें कुछ प्रॉमिस किया था। हम सबको लगा, सारे फैंस को लगा कि एक्चुअली में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का हमें सेकंड ट्रेलर देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, कुछ भी नहीं देखने को मिला। मंडे आया और चला गया, लेकिन हमें टॉम हॉलैंड ने कोई भी अपडेट नहीं दिया। सिर्फ क्या देखने को मिला, 3 पोस्टर्स, सिंपल। उसके अलावा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो हम तो बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रेलर कहाँ गया और ये ट्रेलर कहाँ है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विद योर होस्ट सचिन निगम, और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देना चाहता हूं कि अवेंजर एंड गेम तक, यानी लगभग 1 महीने तक, हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का या फिर मार्वल का कोई भी अपडेट नहीं मिलने वाला है, किसी भी मूवी से रिलेटेड। आप ये बात मान के चलो कि मार्वल अपना सारा का सारा जो फोकस है वो एक ही मूवी पे बना के रखना चाहता है, एंड दैट इज अवेंजर्स एंड गेम। उसके अलावा वो किसी भी मूवी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर एनी मूवी, इवन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। हम बहुत लकी पीपल हैं जो कि मार्वल ने हमें एक ट्रेलर दे दिया स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लिए, बट अवेंजर एंड गेम तक हमें सेकंड ट्रेलर की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, और डेफिनेटली वहां पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है। टॉम हॉलैंड ने हमको जो मंडे मॉर्निंग प्रॉमिस किया था वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 3 पोस्टर्स के लिए प्रॉमिस किया था शायद, बिकॉज अगर मैं बात करूँ 2017 की, तो 2017 में जब स्पाइडरमैन होमकमिंग आने वाली थी, तो लगभग कल के दिन ही हमें फर्स्ट इमेज या फिर फर्स्ट लुक कह सकते हैं स्पाइडरमैन का मिला था ऑफिशियल पोस्टर्स के द्वारा, और शायद हमें वहाँ पर हमें क्लिप भी देखने को मिली थी एक। बट इस साल क्योंकि मार्वल एक अपने 10 ईयर कंप्लीट कर चुका है, साथ ही साथ एक बड़ी मूवी को वो सेलिब्रेट करना चाहता है जो कि लगभग 20+ मूवी का कॉम्बिनेशन है जो कि एवेंजर एंड गेम है, तो मार्वल वाले बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि वो हल्का सा भी कुछ भी स्पॉइल करें। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो है वो मार्वल के पास नहीं है स्पाइडरमैन के, वो अभी भी सोनी के पास में है, बट सोनी ये बात जानती है कि मार्वल बहुत बड़ी मूवी प्लान कर रहा है एंड डेफिनेटली स्पाइडरमैन इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल इन दैट मूवी, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी मूवी हल्की सी भी खराब हो, एंड दैट इज वाई हमें मंडे मॉर्निंग में या फिर मंडे के पूरे दिन में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड नाउ वी नो कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का कोई भी अपडेट या फिर कोई भी ऑफिशियल ट्रेलर जैसा कुछ हमें क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि वो नहीं चाहते एवेंजर एंड गेम को बिल्कुल भी रुइन करना, बिल्कुल भी स्पॉइल करना। बट मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बात बताना चाहूंगा कि इट इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत ही अच्छी बात है कि मार्वल या फिर एमसीयू कह सकते हैं और केविन फाइगी मिलकर ये डिसीजंस ले रहे हैं कि हमें फैंस को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना है, सो दैट 10-15 साल से जितने भी मूवीज एमसीयू की अभी तक बनी है, लगभग 10-11 साल से, वो बिल्कुल भी उसकी मूवीज का जो मजा है वो खराब नहीं करना चाहते। एंड आई थिंक दैट केविन फाइगी एंड ऑल द पीपल इन द मार्वल, दे हैव टेकन अ वेरी गुड डिसीजन, एंड आई थिंक दैट ये जो डिसीजन लिया है बहुत ही अच्छा है, और डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न के साथ में हमें जब भी ट्रेलर देखने को मिलेगा, सो इट विल कंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस, और एंड गेम के बाद में अगर देखने को मिलता है तो वी ऑलरेडी विल नो कि हमें एंड गेम में क्या होने वाला है, हमें ऑलरेडी पता होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो वी हैव टू ट्रस्ट टू द डायरेक्टर्स, टू द केविन फाइगी एंड टू ऑल द एमसीयू, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू अ मार्वेलस जॉब इन दिस मूवी। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की अगर कुछ भी अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेकर आता ही रहता हूँ। ये थी गाइस आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फार फ्रॉम होम का ट्रेलर कहाँ है, ट्रेलर बाद में आएगा अवेंजर एंड गेम के बाद में, तो लगभग 1 से 1.5 महीने का इंतजार आपको करना पड़ेगा, जब तक अवेंजर एंड गेम मूवी जो है वो नहीं आती है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें कुछ ना कुछ स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का या फिर उसके बाद की जो भी अनाउंसमेंट है उसके बाद देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।